फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे आप एंजल वन एप्लीकेशन में जो था ऑटोमेटिक आपका जो था साइन इन का ऑप्शन आ जाता है, और फ्रेंड आपका जो था अपडेट में इस तरह से दिखा रहा है। जैसे देख सकते हैं, हम एंजल वन एप्लीकेशन को जब ओपन कर देते हैं तो यहाँ साइन इन सिग्नेचर इन द सिस्टम नॉट प्रॉपर इस तरह से आता है, और यहाँ से आपके अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से फ्रेंड आपके जो था इंजन वाला एप्लीकेशन में आ जाता है, और इस तरह से फ्रेंड आपको इसको रिमूव करना चाहते हैं या इसको हटाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से हटा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे देखते हैं फ्रेंड यहाँ से आ चुका है, तो इसको आपको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद फिर से आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, और यहाँ से जब प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहां से आपको एंजल वन एप्लीकेशन लिखेंगे, तो जैसे वन लिखेंगे तो यहां से इसको अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। जैसे देखते हैं फिर हमारा अपडेट आया, जैसे इसको अपडेट कर लेंगे तो उसके ऊपर से यहां से इंस्टॉल होगा, तो देख सकते हैं कंप्लीटली हमारा अपडेट हो चुका है। उसके ऊपर से यहां से आपको होम पे आना है, जो देखते हैं यहां इंस्टॉल होने के बाद ओपन करने का ऑप्शन आएगा तो होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ से आपको एंजल वन एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे, तुरंत ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं अपडेट करने का ऑप्शन आता है, तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से अपना सिग्नेचर लिखिएगा, जैसे देखते हैं हम अपना सिग्नेचर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जो आप इसमें पहले कर चुके होंगे सेम उसी तरह से आपको इसमें करना है। जैसे देखते हैं हम सिग्नेचर कर चुके हैं, उसके ऊपर से यहाँ से प्रोसीड टू इन सिग्नेचिंग साइन का ऑप्शन है, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका शो कर देगा। उसके ऊपर से यहाँ से जैसे अपडेट होगा तो यहाँ से अपना आधार कार्ड का नंबर या वर्चुअल आईडी लिखना है, उसके ऊपर से यहाँ से तुरंत आपको अपलोड कर देना है, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, और जैसे सेंड ओटीपी ऑप्शन आएगा तो उसके ऊपर से यहाँ से ओके कर देना है। चलिए हम इंटर कर लेते हैं। इसके फिर हम यहाँ से जैसे अपना जो आधार नंबर इंटर कर चुके हैं, सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो था नंबर पे ओटीपी आएगा, तुरंत यहाँ से फिल करने का ऑप्शन देगा तो फिल कर लीजिएगा। जैसे 5842 39 5842 39, जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे उसके पास यहाँ से वेरीफाइड कर लेना है, और जैसे वेरीफाइड कर लेंगे उसके पास फिर आपका जो था यहाँ से देख सकते हैं रिसीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ से डन कर दीजिएगा। जैसे डन कर देंगे तो यहाँ से आपका तुरंत इस तरह से आपका डीमैट अकाउंट का जो था डिटेल यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है नॉमिनी में आप ऐड नहीं किए होंगे तो ऐड कर लेंगे, और इस तरह से फिर आपका जो था एक्टिव फिर से आपका हो जाएगा। और यहाँ से एक्टिव होने के बाद फिर से आपका यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ टाइम बाद हमारा यहाँ से देख सकते प्लीज़ अपडेट योर सिग्नेचर, तो यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को बंद कर लेना है। जैसे बंद कर लेंगे तो फिर से आपको इसको ओपन कर लेंगे तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक आपका सही रहेगा, सिग्नेचर मैच करेगा तो तुरंत हट जाएगा, जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा अभी दिखा रहा है कुछ टाइम आपका रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए